शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि तुम प्यार से नहीं मानी ना, तो तुम्हें दंड देकर पूरे ब्रिज मंडल से निकालूंगी। निकलो यहाँ से। ठीक है नंदरानी, यदि यही आप लोगों का अंतिम निर्णय है तो मैं यहाँ से चली जाती। जैसी हरी की इच्छा वही इस दुखियारी का सहारा है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। अब मुझे निष्कासित करके क्या लाभ है नंदरानी? होलिका ने जो कार्य आरंभ किया था, अब तो वो अपना रूप लेने लगा है। अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मैं ब्रज मंडल की एक एक गोप गोपियों को भस्म कर दूंगी। इस खंडित घड़े के जल स्पर्श करते ही इसका सतरंगी हो जाना, इसका एक ही अर्थ है कि होलिका ने होली के रंगों को नष्ट करने का प्रयास किया। उसी ने सारे ब्रज के होली के रंग को चुराकर इस अधर्म को करने का प्रयास किया होगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि होली का ब्रज में ही है। अब इससे पूर्व की होलिका को चनर्थ कर ये होली के रंगों को सदा सदा के लिए समाप्त कर हमें होली का दहन से पूर्व भ्रमरी देवी की पूजा कर सभी फूलों के रंगों को वापस लाना होगा। अन्यथा यदि होलिका चली जाएगी तो फिर कुछ भी करना संभव नहीं होगा। पनिहारिन काकी, आप यहाँ? कान्हा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पर क्यों काकी, बात क्या है? नंदरानी ने पुनः मुझे अपने कार्य और घर से निष्कासित कर दिया है। परंतु मैया ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उन्हें संदेह है कि ब्रज में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है। पर ये तो सत्य नहीं है काकी। किंतु मैं ये ब्रज के लोगों को कैसे समझाऊं कि कोई होली नहीं मना पा रहा है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? ब्रज से होली के रंग आलोपित हो गए हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो स्वयं अपने दुखों की मारी। काकी, यदि आपका इसमें कोई दोष नहीं है तो अकारण आपको भी किसी को दंडित नहीं करने दूंगा। काना, इस पूरे ब्रज मंडल में केवल तुम ही हो जो दूसरों के दुख को समझते हो। इस ब्रज में केवल तुम ही हो जो मेरे प्रश्नों के साथ खड़े हो। कान्हा, मैंने सुना है कि तुम्हारे ऊपर भी कंस के असुरों का बहुत बड़ा संकट आया था, किंतु तुमने भय मुक्त होकर सबका सामना किया। हाँ काकी, क्योंकि संकटों से भयभीत नहीं होना चाहिए। अभी तो उसे लड़कर उस संकट को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कान्हा, तुम्हारे कारण ही मैं ब्रज में रहना चाहती हूँ, पर लोग तो मुझे अपने दुख में भी शामिल नहीं करना चाहते। इसमें लोगों का कोई दोष नहीं, वो बस अपने सम्मुख इतना बड़ा संकट देखकर भयभीत हो गए, वे इस बात से चिंतित हो उठे हैं कि वे अपना प्रिय होली का त्योहार नहीं मना पा रहे। किंतु कान्हा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब पूरे ब्रज मंडल से होली के सभी रंग विलुप्त हो गए हैं, होली मनाने से ब्रज में इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, तो भी लोग अपना जीवन संकट में डालकर होली क्यों मनाना चाहते हैं? लोग छोड़ क्यों नहीं देते होली का दहन करने का अपना हठ? क्या मिल जाएगा उन्हें होली का दहन करने से? काकी, ये संसार होली का दहन इसलिए मनाते क्योंकि उससे
ठीक एक दिन पूर्व एक भक्त प्रहलाद के विश्वास की जीत हुई थी। सब लोग होली का दहन इसलिए करते हैं क्योंकि बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। होली का उत्सव मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली हो पर अंत में उसके पराजय निश्चित है। इसलिए होली का उत्सव संपूर्ण संसार के लिए इतना महत्वपूर्ण है काकी। इसलिए काकी, यदि होलिका ने लोगों से उनके इस विश्वास को छीनने का प्रयास किया, यदि उसने होली के उत्सव में कोई अवरोध उत्पन्न किया तो उसका दंड उसको अवश्य मिलेगा, क्योंकि ब्रजवासियों को होली का उत्सव मनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा वचन है। कान्हा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, होलिका अपना प्रतिशोध लेकर रहेगी। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, किंतु इस वर्ष ब्रज मंडल में होली का उत्सव नहीं मनेगा। होलिका, तुम कितनी अभिशाप्त कि नारायण तुम्हारे सम्मुख होकर भी तुम्हें पहचान नहीं रहे। संसार में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि तुम नारायण अवतार कान्हा से प्रतिशोध लेना चाहती हो। होलिका, तुम ये जानती हो कि नारायण अवतार कान्हा ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं, फिर भी तुम उन्हें रोकना चाहती हो। यदि तुम सच में धर्म के साथ होती तो अब तक प्रभु कान्हा से क्षमा मांग चुकी होती और तुम्हारे जीवन का उद्धार हो चुका होता और इस असुरी जीवन से तुम्हें मुक्ति मिल चुकी होती। पर अपने अहंकार में तुम प्रभु कान्हा की ही परीक्षा ले रही हो और फिर भी प्रभु कान्हा वो लीला रच रहे हैं जिससे तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार दंड मिल सके और इस पापमयी जीवन से मुक्ति मिल सके और तुम अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग को ग्रहण कर सको। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस संकट को कैसे दूर करूं। मैया, रंगों को वापस लाने का मार्ग मिल गया है। कैसा मार्ग कान्हा? मैया, हमें भ्रमरी देवी की पूजा करनी होगी। केवल भ्रमरी देवी ही है जो इस संकट में हमारी सहायता कर सकती है। पर कान्हा, भ्रमरी देवी हमारी सहायता कैसे कर सकती है? मैया, एक बार पहले भी वो संसार में प्रकृति का साथ दे चुकी है। एक बार पहले भी संसार से फूलों की सुंदरता और उनका रंग चला गया था, तब भ्रमरी देवी ने अपनी कृपा से उन्हें वापस लाया था। पर लल्ला, मुझे तो भ्रमरी देवी की पूजा के विधि विधान का कुछ ज्ञान नहीं है। मैया, मैंने सब ज्ञात कर लिया है। कल प्रातः काल से ही हम भ्रमरी देवी को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा आरंभ करेंगे और जितने रंग काले पड़ चुके उन्हें गंगा जल में मिलाकर माता को अर्पित कर उनकी आराधना करेंगे। फिर माता की कृपा से वो जल शहद में बदल जाएगा और जैसे उन शहद से हम माता का अभिषेक करेंगे सब रंग स्वयं वापस आ जाएंगे। भ्रमरी देवी का शहद से ही अभिषेक क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो भंवरों की माता है और उन्हें शहद अत्यंत प्रिय है। मैं समझ गई कान्हा, कल प्रातः काल से ही भ्रमरी देवी की पूजा होगी और ब्रजमंडल पर आया ये संकट दूर हो जाएगा। चलो कान्हा, पूजा की तैयारियां आरंभ करते हैं। अच्छा, तो तुम लोग भ्रमरी देवी की पूजा करोगे मेरे चुराए हुए सभी रंगों को वापस लाने के लिए, पर होली खेल कर रहोगे। किंतु इस बार न होली होगी और ना ही होलिका दहन।
दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।